नमस्कार दोस्तों, फिल्म और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज रिव्यू करेंगे मूवी कार्गो की। कार्गो एक नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई हालिया मूवी है। यह एक साईफाई मूवी है जो हिंदू मिथोलॉजी पर बेस्ड है। इसके डायरेक्टर हैं आरती कादव। तो आइए बात करते हैं इस मूवी की थीम की। इस मूवी में दिखाया गया है कि इंसानों और राक्षसों के मध्य ट्रीटी हो गया है, मतलब शांति समझौता। तो अब इस ट्रीटी के बाद राक्षस को भी इंसानों जैसा एक दर्जा मिल चुका है। समाज के विकास में उनका उनका भी एक अच्छा खासा सहयोग रहा है और अब वो भी बराबर के दर्जे के सहभागी हो चुके हैं। इस मूवी में एक सीप दिखाया गया है जिसका नाम है पुष्पक 634A, जिसका कैप्टन या एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं प्रहस्त है, जिसको विक्रांत मेसी ने प्ले किया है। उनकी एक असिस्टेंट है यूविस का, जिसे श्वेता त्रिपाठी ने प्ले किया है। इस मूवी में ज़्यादा करेक्टर तो है नहीं, बस यही दोनों मेन करेक्टर है। सिप का काम होता है जो भी पृथ्वी में जो भी मरे हुए लोग होते हैं वो उनकी बॉडी को यहाँ टेलीपोर्ट किया जाता है। उसके बाद उसका हीलिंग प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उसके बॉडी को डिस्पोज करके उनको आगे की ट्रांजिशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जैसे कि पुष्पक है वैसे ही बहुत सारे शिप्स पूरे इस जो काल्पनिक दुनिया दिखाई है वहाँ बहुत सारे शिप्स होते हैं और जो प्रहस्त है वो 75 साल से इस शिप्स में काम कर रहे हैं। उसका का जो किरदार है वो बहुत ही इसमें एक चंचल स्वभाव की दिखाया गया है और वो सोशल मीडिया से काफ़ी फैमिलियर है और जो भी काम करती है उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करती रहती है। जबकि जो प्रहस्त का कैरेक्टर है वो बहुत शांत, मतलब बहुत ही जिम्मेदार है, अपने काम के प्रति वो डेडिकेटेड रहता है और कुछ भी अगर शिप में गड़बड़ होती है तो इसका को फटकार देता है। तो इसका के आने के कुछ दिनों बाद उसकी शक्तियाँ ऑटोमेटिक गायब हो जाती हैं। मैं यह बताना भूल गया था कि हर राक्षस के पास कोई ना कोई इंडिविजुअल पावर्स होती है, जैसे कि प्रहस्त किसी भी चीज़ को हवा में उछाल सकता है बिना उसको टच किए। वैसे ही जो यूविस्का की पावर होती है वो हीलिंग की होती है। वो किसी भी जो भी बॉडी पृथ्वी से आता है तो उसको वो अपने शक्तियों से उसे ठीक कर देती है। तो दोस्तों, अगर मैं इस मूवी के पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करूँ तो मूवी किसी भी एक थीम को लेकर नहीं चलती है। ये कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि ये मूवी भटक जाती है। ना तो ये टेक्नोलॉजी को ही बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ना तो किसी ना ही रोमांटिक एंगल जो थोड़ा सा जो यूविस का और प्रहस्त के बीच में हल्का सा दिखाया गया है उसी को ही आगे लेकर बढ़ पाती है। तो ये मूवी हमें पूरी तरीके से कंफ्यूज करती है। ये कहना क्या चाहती है हमें समझ ही नहीं आता। कुछ देर के बाद ये मूवी रेंगने लगती है और हमें लगता है कि यार बस हो गया। मतलब सच में मैं तो मुझे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मूवी कब ख़त्म हो। तो पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं मूवी में, बस नेगेटिव ही दिखा मुझे। एक अच्छी स्टोरी थी जिसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, लेकिन शायद निर्देशक ने यह मौका खो दिया। वैसे इस मूवी में कोई न्यूडिटी तो है नहीं, ना ही कोई वल्गर सीन्स है। इसे फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है। इस मूवी को मैं दूंगा 10 में से 4.5 स्टार। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।